रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ कश्मीरी चाय, जिसके लिए हमें चाहिए कश्मीरी चाय की पत्ती, चीनी, बेकिंग सोडा, बादाम पिस्ता और दूध, और इसके अलावा पानी। मैंने 1.5 कप पानी डाला है, अभी उबलने लगा है, तो इसके अंदर मैं 2 टीस्पून कश्मीरी चाय की पत्ती यानी कि लीव्स डाल रही हूँ। जैसे ही इसमें ये कलर आना शुरू हो गया ना, तो इसको हम फेंटना शुरू करेंगे और इसको उस वक्त तक पकाएंगे कि इसका 1/2 कप पानी खुश्क हो जाए। अब इसमें मैं डालूंगी 1/8 बेकिंग सोडा और इसमें हम डालेंगे 1/2 कप ठंडा पानी। जैसे ही कलर आना शुरू हो गया अब इसको हम दोबारा फेंटेंगे। देर पका के उसको चूल्हे से हटा देंगे। 1/2 लीटर दूध है, इसमें मैंने 4 इलायचियाँ डाली और इसके अंदर हम डालेंगे 4 टेबल स्पून चीनी। चीनी हसबे पसंद कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। दूध जो था वो मैंने पहले से बॉयल कर लिया था, अब इसमें चीनी और ये सब्जी इलायची डालकर भी इसमें बॉयल है। अब इसमें हमने जो चाय बनाई है वो हम छान लेंगे। अब इसमें हम ये चाय छाए हम बादाम पिस्ता गार्निश करेंगे। अब मैं इसको टेस्ट करती हूँ। आप भी बनाएं और मुझे कमेंट्स दें कि कैसी लगी आपको मेरी चाय। अगर पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।